मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक हर्निया। हर्निया यानी हर्निया एक लेटिन जो है लेटिन शब्द है, इसका मतलब होता है रैप्चर। यानी हर्निया इज ड्राइव लेटिन वर्ड रैप्चर, यानी किसी कैविटी पेरिटोनियम का रैप्चर होना। इसमें क्या होता है, ए हर्निया इज डिफाइंड एज ए एब्डोनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ ए ऑर्गन और टिश्यू थ्रू ए डिफेक्ट इन इट्स सराउंडिंग वॉल। यानी जो सराउंडिंग वॉल है या पेरिटोनियम कैविटी है, उसमें टिश्यू और ऑर्गन का प्रोट्रूशन होना हर्निया कहलाता है। यानी सराउंडिंग वॉल से बाहर आ जाना या सराउंडिंग वॉल में प्रोट्रूशन होना हर्निया कहलाता है। जैसे कि साइट ऑफ हर्निया है फीमोरल साइट ऑफ हर्निया, फीमोरल हर्निया, इनगुलर हर्निया, देन एम्ब्लाइकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये कॉमन प्लेसेस ऑफ हर्निया हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद वन बाय वन सभी को डिफाइन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम हर्निया क्लासिफिकेशन। हर्निया के बारे में मैंने बताया कि जो हर्निया है उसमें होता है प्रोट्रूशन होना ऑर्गन एंड टिश्यू का। तो ए कंडीशन विच अ पार्ट ऑफ ऑर्गन इज डिस्प्लेस या प्रोट्रूड्स थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी कंटेनिंग इट ऑफन इन्वॉल्विंग ऑफ द इंटेस्टाइन एज ए वीक पॉइंट इन द एब्डोमेन वॉल। यानी जो एब्डोमेन वॉल से जो पेरिटोनियल कैविटी में इंटेस्टाइन से वे अपने एब्डोमेन वॉल से प्रोट्रूजन यानी ऑर्गन और टिश्यू का, इस कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट डेवलपमेंट ऑफ हर्निया आर कंजेनिटल मसल वीकनेस इंक्रीज द इंटर एब्डोमेन प्रेशर। यानी जो मोस्ट कॉमन जो हर्निया डेवलपमेंट कंडीशन होती है, पहला होता है कंजेनिटल, यानी ये कंजेनिटल हो सकते हैं, मसल वीकनेस के कारण हो सकते हैं। देन इंक्रीज द इंटर एब्डोमेन प्रेशर, यानी अगर कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण से क्या है, अगर एब्डोमेन प्रेशर बढ़ेगा तब भी हर्निया वाली कंडीशन डेवलप होती है। क्लासिफिकेशन में जैसे कि दिखाया शॉर्ट टर्म में सर हर्निया, जैसे कि इन डायग्राम दिखाया गया है सर यानी एस यानी स्ट्रेंगुलेटेड ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ एमरजेंसी सर्जरी सिचुएशन। यानी इस कंडीशन में एमरजेंसी सिचुएशन सर्जरी करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसको कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। जैसे क्लासिफिकेशन जो है कॉज्ड ऑन टाइप्स बेस पे डिपेंड होता है, साइट ऑफ हर्निया उस पर क्लासिफिकेशन डिपेंड होते हैं। जैसे दूसरा है आई से यानी इनक्रेटेड हर्निया इज ट्रैप्ड आउटसाइड पेरिटोनियल कैविटी। यानी हर्निया जो ऑर्गन और टिश्यू है वे पेरिटोनियल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। रिड्यूसिबल हर्निया मूव्स बैक इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, यानी कम्प्लीटली रूप से वह ऑर्गन्स का बाहर आना रिड्यूसिबल हो गए हर्निया, इस कंडीशन को कहते हैं रिड्यूसिबल हर्निया। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन। जैसे कि इस डायग्राम दिखाया गया स्किन एब्डोमिनल वीकनेस है जिसके कारण से क्या इंटेस्टाइन है जो पेरिटोनियल कैविटी में कवर्ड है पर जो उसकी शेप है वो स्टेप्स हो गई, पर इंटेस्टाइन बिकम ट्रैप्ड हो गई, अगर एब्डोमिनल स्पेस और बढ़ेगा तो वो ट्रैप हो जाएगी। इंटेस्टाइन पुश इनटू द शेक, वो शेक को पुश कर रही है और इंटेस्टाइन बिकम स्ट्रेंथेड और ये कंडीशन डेवलप होती है, जिसको कहते हैं ये कंडीशन नॉर्मली एम्ब्लाइकल हर्निया में देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ हर्निया, इनगुलर हर्निया में दो प्रकार के होते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। हाइटल हर्निया जिसको बोलते हैं, वर्टिकल हर्निया भी बोलते हैं, देन फीमोरल हर्निया प्रोट्रूड थ्रू द फीमोरल लिंग से बाहर आना, हर्निया रिंग कंजेनिटल एक्वार्ड इंसिजनल वेंट्रल हर्निया अकर द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन। ये साइट ऑफ कॉमन हर्निया टाइप्स ऑफ हर्निया कह लेते हैं इनगुलर हर्निया। इनगुलर हर्निया मोस्ट कॉमन टाइप होता है हर्निया का, प्रोटेशन होता है ऑफ इंट्रापेरिटोनियम, यानी इंट्रापेरिटोनियम का प्रोटेशन होना कंटेंट लाइक जिसकी इंटेस्ट है पेरिटोनियम के अंदर, जैसे इंटेस्ट फोमेंटम ओवरी जो कि सुपरफिशियल इनगुलर रिंग के अंदर से बाहर जाते हैं, यानी प्रोटेशन हो गए, प्रोटेशन ऑफ द इंट्रापेरिटोनियम। द इंटेस्टाइन इज थ्रू द वीक क्लियर ऑफ द लोअर एब्डोमेन वॉल, 75% एब्डोमेन वॉल ऑफ हर्निया 25% मोर ओपन देन मेन। टू टाइप्स होते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ये हर्निया बेसिकली सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हर्नियाटोमी की सर्जरी ऑपरेट करनी पड़ती है और इसमें लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर भी करते हैं। इनडायरेक्ट हर्निया होल में क्या होता है कि जो हर्निया है वो थ्रू द इनगुइनल कैनाल विद स्पोमेटिक कोड इन टू द स्कोटम, यानी कैनाल के द्वारा वह साथ में स्कोटम कोड से वह स्पोमेटिक कोड से
या स्कोटम में आ जाता है। द मसल वीकनेस और द इनवॉल्विंग फेलियर क्लोजर ऑफ डीप इनवॉल्विंग वैन इंक्रीज इंट्राबडोमिनल प्रेशर एंड डायलेशन ऑफ द इनवॉल्विंग फेलो एब्डोमिनल कंटेंट एंटर द चैनल द प्रोटेक्शन पासिस थ्रू द डीप इनवॉल्विंग रिंग द लोकेटेड लेटरल इंफीरियर कैपिस्टल आर्टरी। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पेरिटोनियम जो है प्रोटेक्शन हुआ, इंटरप्टर इंट्रा पेरिटोनियम हो गया, वो कब होगा जब जब इनवॉल्विंग प्रेशर बढ़ेगा, तो केनाल से क्या हुआ सुपरफिशियल इनवॉल्विंग से इंटेस्टाइन लूप विद स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा वे स्कोटम में आ गई। देन ये डायरेक्ट इनवॉल्व हर्निया, इसमें क्या होता है कि जो हर्निया है डायरेक्ट यानी थ्रो एब्डोमिनल वॉल के द्वारा इसमें जो ऑर्गन टिश्यू बाहर आते हैं, ना कि केनाल के द्वारा, केनाल से होते हुए, तो ये डायरेक्ट इनवॉल्व हर्निया है। जैसे कि डायरेक्ट लिखा है इट पासेस थ्रो वीक पॉइंट ऑफ फेशिया ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल से पास से जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर आ गए, जिसमें केनाल का यूज नहीं हुआ, यानी केनाल के द्वारा नहीं आए। इनडायरेक्ट इनवॉल्व हर्निया और डायरेक्ट इनवॉल्व हर्निया। अब है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि जो इंट्रा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, ओपनिंग जो कभी कभी क्या इंट्रा थोरसिक प्रेशर बढ़ता है, इसके कारण क्या क्या होता है, मैं कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी जिसके कारण से इंट्रा बढ़ता है, जिससे एससील जो है वो गैस्ट्रिक प्रेशर का जो फंडस एरिया है, यानी जो ड्यूडेनम स्टोमक से ड्यूडेनम की तरफ जो फंडस एरिया है वहाँ पर जो गैस्ट्रिक प्रेशर काट देते हैं, जिससे क्या करते हैं ये उस एब्डोमिनल वॉल को वीक कर देता है। ये फंडस एरिया एब्डोमिनल प्रेशर के कारण प्रोटेक्शन करता है, ये जो फंडस एरिया है एब्डोमिनल प्रेशर के कारण क्या प्रोटेक्शन करता है, इस कारण से जो यानी जो ड्यूरिंग पास में जो डायफ्राम है उसमें से क्या ऑर्गन्स उसकी तरफ से डायफ्राम में अंदर चले जाते हैं, उसके रेजिनेशन बोलते हैं हाइटल हर्निया। पार्ट ऑफ स्टोमक प्रोड्यूस डायफ्राम इन टू द चेस्ट साइडिंग हाइटल हर्निया द डिस्टल इसोफेगस एंड कार्डियल स्लाइड्स टू इनटू थोरैक्स इंटैक्ट गैस्ट्रो इसोफेगस जंक्शन एंड देयरफॉर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। रोलिंग हाइटस हर्निया में क्या होता है मोस्ट द स्टोमक गोज इनटू द थ्रोट ऑफ द स्टोमक मे बी आल्सो अंडरगो द ट्विस्ट, यानी इंटेक प्रेशर बढ़ेगा तो जो एससील है वह गैस्ट्रिक मुकेशा को जो फंडस एरिया को कट कर देता है या वीक कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है जो फंडस एरिया होता है वह एब्डोमिनल प्रेशर के कारण से क्या होता है प्रोट्रूशन करता है कहा जाता है डायफ्राम में, ये जो एरिया डायफ्राम के तरह लगता है जिसे कारण से कंडीशन बोलते हैं हाइटल हर्निया। फीमोरल हर्निया प्रोट्रूड थ्रू द फीमोरल रिंग, यानी फीमोरल रिंग के द्वारा प्रोट्रूड होना। द प्लग पार्ट्स ऑफ द फीमोरल प्लग ऑफ द फीमोरल इनलार्ज्ड एंड पुल ऑन द पेरिटोनियम ऑफ द इंजरी ब्लैडर एंड सेल मोस्ट फ्रीक्वेंट वुमेन्स बिकॉज ऑफ वाइडर इन फीमेल्स पेल्विस कॉमन ओबेस इन प्रेग्नेंट मैन, यानी ये भी सेम वही कंडीशन होती है कि हर्निया अगर थ्रो द फीमोरल रिंग उसमें क्या होता है कि एक कंसलेशन एंड स्ट्रेंगुलेशन होता है, क्यों होता है ये ड्यू टू प्रेशर स्टॉपिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई इन हर्नियट एरिया, ये इस कारण से क्या होता है कि जो हर्निया एरिया है उसमें क्या है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण से कि कैपिलरी जो ब्लड सप्लाई है वह स्टॉप हो जाती है। ये भी हर्निया का जो थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि मोस्ट कॉमनली वुमेन में पाया जाता है और 5% इन मेन में। मोर कॉमन नेक्स्ट अम्बिलिकल हर्निया या कॉन्जेनिटल या एक्वाड। ये अम्बिलिकल हर्निया अकर्स व्हेन द इंटेस्टाइन फेट अक्यूट प्रोसेस थ्रू द वीक एंड सपोर्ट ऑफ बेबी दिस कॉजेज ए ब्लड बर्ड नियर द बेली बटन और नेवल। जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया जो क्लोज ऑफ द मोस्ट होता है क्लोज ये जो है 2 ईयर्स यानी 2 साल के बच्चों में पाया जाता है। ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है इंटेस्टाइन प्रोट्रूशन होती है थ्रू द एब्डोमिन वॉल्स एट द बेली बटन, यानी बेली बटन जैसे कि अम्बिलिकल सैक दिख रहा है बेली बटन, इस कंडीशन को कहते हैं बेली बटन।
congenital appearing infancy acquired increase the intra-abdominal pressure, common sign of the obese pregnant women. The incisional and the ventricle hernia. Ventral hernia. Highest incidence होता है इसमें ये large middle और vertical lower abdominal incision के कारण होता है, यानी कि जो incision दिए साइट ऑफ द incision डिपेंड करता है कि अगर मिडलाइन इंसिजन है उसमें हो सकता है कंडीशन डेवलप हो सकती है, अगर लार्ज इंसिजन दिया गया तब डेवलप हो सकती है, या जो वर्टिकल इंसिजन दिया गया तब कंडीशन हो सकती है। अगर जो इंसिजन साइज है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये कंडीशन डेवलप होती है। उसमें क्या करते हैं फिर उसको रिपेयर करने के लिए हमें मेस का भी यूज करना पड़ता है। रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल हीलिंग ऑफ द इंसिजन कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, यानी जो ऑपरेट हुआ है उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन पे अगर है तो हो सकता है इंसिजन कंडीशन डेवलप हो सके, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिशन कमी है तब भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, और अगर मोटापा है तब भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब ये रिस्क फैक्टर्स के अंदर पहला है ओबेसिटी लेते हैं, मोटापा, यानी अगर मोटापा होगा तो क्या है क्या इसमें इंक्रीज प्रेशर बढ़ेगा जिस कारण से हार्ट की कंडीशन डेवलप होने का, कॉन्स्टिपेशन की भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, मसल वीकनेस में भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, डैमेज फॉर इंजरी फ्रॉम सर्जरी, क्रॉनिक कफ के कारण, यानी कफ टाइप्स होती है कंडीशन, उसमें सीओपीडी कफ के कारण क्या हार्ट की कंडीशन डेवलप हो सकती है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जैसे कि अगर बर्थ वेट 15 ग्राम से कम है यानी प्रीटर्म बेबी है तब ये कंडीशन डेवलप होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग जो कि मोस्ट कॉमन होता है कि हैवी वेट लिफ्ट करने से भी हमले का हर्निया कंडीशन डेवलप हो सकती है। कॉज ऑफ ग्रेविटी यानी कंडीशन ऑफ द इंक्रीज प्रेशर ऑफ बिल ग्रेविटी, अगर एब्डोमिनल कंडीशन प्रेशर बढ़ता है तब हर्निया कंडीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ओबेसिटी हैवी लिफ्टिंग पर्सन का अपने सीनेजिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ बॉल मूवमेंट यूरिनेशन फैमिली हिस्ट्री, यानी जन्म जात फैमिली रिपीटेशन भी इसमें हो सकता है। डिफेक्ट ऑफ मस्कुलर वॉल्स कॉन्जेनिटल ओबेसिटी फर्स्ट इज हर्निया, डिफेक्ट इन मस्कुलर वॉल्स या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर दो मोस्ट कॉमन कॉजेज है। इसमें क्या होता है कॉन्जेनिटल ओबेसिटी कारण डिफेक्ट हो सकती हैं, दूसरा प्रेगनेंसी और ट्रोमा के कारण जो है इंक्रीज इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर हो सकता है। साइन एंड सिम्पटम ऑफ हर्निया, स्मॉल टू मॉडरेट साइज ऑफ हर्निया डोंट यूजुअली कॉज बी एनी सिम्टम, लार्ज हर्निया मे बी नोटिकेबल कॉज सेम पेन इन द लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट टेंडरनेस बल्जिंग सीवियर सिम्टम नोजिया वोमिटिंग कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे बी आस्क्ड टू स्पेसिफिक कफ स्ट्रेंथ टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन फील द कॉज बाय द हर्निया एज इट मूव्स टू ओरिंग स्क्रोटम, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर जेंटली मैसेज ऑफ द बैक इन टू द मैसेज ऑफ द इन द एब्डोमेन वेरी मी MRI देन एक्सरे एब्डोमेन ब्लड टेस्ट में CBC डॉक्टर में भी रिकमेंड ब्लड काउंट WBC डिटेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन इन प्रेशर ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस मैनेजमेंट देन फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट क्या क्या होता है एंटीबायोटिक्स IV सेफोलोक्सिन या मिफोक्सिन 1 mg 6-8 ओरली कैप्सूल एमिनसिन 250 से 500 6 ओरली S2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज पेशेंट विद हाइटल हर्निया के अंदर दिया जाता है फीमोटोनिन 40 mg और एंटीडिन 150 mg PPI यानी यूज ऑफ पेशेंट विद द हाइटल हर्निया लेंसोपेराजोल पेरावासिड 15-30 कैप्सूल एमोपेराजोल एसोमेपेराजोल कैप्सूल एमीपेराजोल कैप्सूल टैबलेट पेंटाप्राजोल टैबलेट लेंसोपेराजोल पेरावासिड और एसोमेपेराजोल नेक्सिम 20-40 प्रोलोसेक 20-40 कॉन्ट्रोलॉक 20-40 एंटी इंजेक्ट एजेंट्स इंडिकेट पेशेंट विद हाउ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट बिफोर सर्जरी द डर्मिसिकम 7.5-15 mg नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स द पेशेंट विल बी माइट टू मॉडरेट पेन टैबलेट आइबुप्रोफेन 100 mg 6 ओरली केटाफिरोमन 50-75 6 ओरली नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अवॉइड फूड द कोज ऑफ द रिफ्लेक्स हार्ट बर्न सच एज द स्पाइसी फूड को कम करना पड़े डोंट लाई डाउन बैंड आफ्टर द मील एक्सरसाइज स्टॉप अवॉइड गैसिक ड्रिंक्स अवॉइड गुड हैवी वेट को नहीं उठाना
नॉन सर्जिकल ट्रस इंगुलर हर्निया, इंगुलर हर्निया में जो हर्निया टोमी करते हैं सर्जिकल मैसेज के लिए। द पैड मेड ओवर इंटरवल डेट पैलेस एबडोमिन बेल्ट इन द कीप द एबडोमिन कंटेंट प्रोटीन इन टू द हर्निया से, यानी हर्निया से को ऑपरेट करने के बाद हमें बेल्ट की जरूरत है। इसमें नेसल फंडोस्कोपी किया सर्जिकल में, लैप्रोस्कोपिक एलिपी हर्नियोग्राफी या हर्निया रिपेयर किया या हर्निया टोमी किया। देन मेज को हटने के बाद में जो इंसिजन हर्निया कंडीशन है उसमें क्या करें, मेज को रोकना ताकि जो इंटरनल ऑर्गन है प्योर पैंट क्वालिटी को जो मेस है जो इंटर प्रेशर बढ़ने के कारण काफ़ी कवर्ड करती है। असेसमेंट क्या करते हैं, एज टू पेशेंट अबाउ 60 ओपीस, ड्यूरेशन ऑफ हंडिया वेट एंड टू हाइट एंड वेट पैन द हंडिया पैलेस स्कोर टाइप ड्यूरेशन स्पेसिफिक अबाउट प्रीवियस हिस्ट्री सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन स्पेशली वुंड इन्फेक्शन एंड डिसेंस स्मोकिंग बॉल मूवमेंट कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक कफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हंडिया। फिजिकल एग्जामिनेशन कल्पेट ऑफ बर्ज एरिया चेक द स्किन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हंडिया, कौन से प्रकार का हंडिया है जो कि हमें फिजिकल एग्जाम के द्वारा पता रहता है। इन्वेस्टिगेशन से अल्ट्रा स्किन वेरियम सेवल और मेमारी ब्लड टेस्ट किया। कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं, पोस्ट हंडियोग्राफी फैन सिंड्रोम इंग्यूनोडायमा हंडिया रिकरेंस बोन इन्फेक्शन सीमियर नेक्रोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देते हैं, इसमें प्री ऑपरेटिव फियर एंड एनजाइटी रिलेटेड टू अंडरगोइंग सर्जरी प्री ऑपरेटिव और हंडिया रिपेयर। साथ में इसमें एनपीओ नथिंग पर माउथ नथिंग पर ओरल सर पोस्ट ऑपरेटिव में हंडिया क्या करते हैं, एक्यूट पेन रिलीफ टू सर्जिकल इंटरवेंशन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल साइट हंडल हंडिया रिस्क ऑफ रेस्पॉन्सन रिलेटेड टू रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक कंटेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस फियर एनजाइटी रिलेटिंग टू अंडरगोइंग सर्जरी गोल पेशेंट फियर द एनजाइटी रिड्यूस्ड इंटरवेंशन असेस पेशेंट विद लेवल ऑफ एंजाइटी आइदर माइल्ड टू मॉडरेट सीवर एंड पैनिक इंटरवेनिंग द पेशेंट असेस इन द इन्फेक्टिव वे भी प्रोवाइड नर्सिंग केयर इनकरेज पेशेंट बी एक्सप्रेस फीलिंग कंसर्न अबाउट द सर्जरी ड्यू टू एक्नोलेजल ऑफ द फीलिंग कैन रिड्यूस एंजाइटी एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ सर्जरी दैट पेशेंट विल बी अंडरगोइंग रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी एम्फसाइज डॉक्टर्स एक्सप्लेनेशंस टू द पेशेंट्स टू मेक द पेशेंट मोर क्लियर एंड acknowledge about the procedure, explain the possible outcome about the surgery, so explain the preparation facing the after surgery, encourage the patient to use therapeutic touch techniques, promote comfort wear, vice versa, encourage patient listen to smooth music to reduce the anxiety level, encourage patients relate to the stay patients side before day surgery in the give emotional spiritual support to the patient so the patient reduce feeling to fear. एडमिशन रिलेक्शन मेडिकेशन सच टैबलेट डोमोसिफन 7.5 मिलीग्राम द पेशेंट रिड्यूस फियर एंगजाइटी द पेशेंट विल एंगजाइटी टू आर्स यानी इवोल्यूशन क्या हुआ रिड्यूस। देन 10 लीटर सर्जिकल साइट गोल क्या होगा इसमें पेशेंट विल रिस्कोड 10 to 3 ड्यूरिंग ऑस्पिटलाइजेशन असेस द पेशेंट वाइटल सच एज ब्लड प्रेशर टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन हाई ब्लड प्रेशर में इंडिकेट पेशेंट हैविंग पेन असेस पेन विद पेन स्कोर यूजिंग न्यूमेरिकल पैन द एलिवेटेड सीवरिटी ऑफ द पैन प्लीज द पेशेंट विद पिट विलो सर्जिकल साइड कफिंग विद रिड्यूस पैन एंड प्रेशर एरिया प्लीज द पेशेंट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड फ्रीक्वेंट टर्निंग द रिलैक्सिंग मसल्स प्रमोट एनी सेटम इनकरेज पेशेंट टू टेक हाई फाइबर एंड ड्रिंक 1 to 2 liter पर डे द कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू प्रिवेंट पेशेंट कॉन्स्टिपेशन विच इन द कॉन्ट्रीब्यूट एंड ड्यूरिंग लॉस पास मोशन एडमिनिस्ट्रेस एनालिसिस को डेली बाय द डॉक्टर एग्जाम्पल आई विन एच डी 50 to 150, 3 to 4 only and PRN helps to minimize pain. Plan and limit patient with activity to reduce the movement of the mouth, cause of flexions of area, assist the patient surgical site of the signs symptom of infection, as severe teaching, bullet, acute redness, swelling and the variation of the pain indicators infection. Palace patient tender burst positions, promote venous to reduce pressure in the hernia. Encourage patient to reduce the weight or minimize abdominal pressure in the excess fat. In male job of the super suspensory bandage may be used or the provide support of the area that the hernia has been reduced. The mesh will be applied morning before patient gets of the support. Apply the traction surrounding of the truss prevent friction which can irritate the skin area. Evaluation patient pain has reduced. There are evidence patient pain score has reduced. 8 to 4 nursing diagnosis high risk infection related to surgical goal reduce the risk infection during hospitalization intervention assess patient with the sign
अल्ट्रासाउंड टेम्परेचर बीपी पल्स रेस्पिरेशन SpO2 टू डिटेक्ट पर्सन हैज बी फीवर एंड मे इंडिकेटर्स इन्फेक्शन मॉनिटर द साइन ऑफ सिम्टम इन्फेक्शन सच एज सीवियर वेडनेस स्वेलिंग एक्सेसिव डिस्चार्ज प्रोवाइड फॉर द ट्रीटमेंट द पेशेंट टेक स्वैब्स स्पेसिमेन ऑफ द कल्चर सेंसिटिव एज ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर डिटेक्ट टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड कॉज बाय इन्फेक्शन एंटर इज द स्ट्रिक्स एसेप्टिक टेक्निक वैन द परफॉर्म ड्रेसिंग डिक्रीज द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट योर चेंज द ड्रेसिंग वैन इफेक्टिवली सोक द ब्लड पस और वैन नेसरी प्रिवेंट एक्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया कॉज इन्फेक्शन एजुकेटेड पेशेंट परफॉर्म इफेक्टिव हैंड वॉश आफ्टर टॉयलेटिंग बिफोर मील्स आफ्टर सेल्फ केयर एंड इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्रीज पेशेंट ऑफ द फूड हाई प्रोटीन विटामिन सी प्रमोट गुड हेल्दी बूस्ट इम्यून सिस्टम आज द पेशेंट कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एज डॉक्टर प्रेफर प्रिवेंट द गेटिंग इन्फेक्शन एजुकेशन वी डोंट एक्सपोज ड्रेसिंग नेसेसरी टू नॉट स्क्रैच इंसिजन साइट ऑफ द प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एजुकेशन पेशेंट अप्लाई ए लोशन पाउडर दैट वी नॉट प्रिस्क्राइब डॉक्टर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू सर्जिकल साइट एजुकेशन पेशेंट विद सिम्टम टू इन्फेक्शन एग्जाम्पल सीवियर एंड अनबियरेबल इचिंग लोशन दैट क्रिएट ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इस इंप्रेशन लीड टू रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक कंटेंट यानी हाइटलानिया में क्या क्या जो है रिक्स ऑफ फॉर एसिडिटी गोल क्या होता है क्लाइंट द एबल टू फुली अंडरस्टूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंट रेगुलेशन एंड एस्पिरेशन एसेस पेशेंट टू यूजुअल वे द आफ्टर नाउ इज पॉसिबली करेक्ट इन प्रॉपर वे दैट लीड्स टू रेगुलेशन मोनिटर क्लाइंट्स वेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन नाउ इज प्लान नेसेसरी वेट रिडक्शन रीजमेंट एसेस पेशेंट रूटीन मील टाइमिंग ऑफ द अलार्म मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट और Each patient deep breathing exercise when feeling initiated to help relax to muscles and tensions during stressful breaking of gastric motors. Encourage the patient to high protein and low fat diet of episode hygiene. Examples fish, steamed chicken. If patient dependent, assist the patient to elevated head during the patient 30 minutes from the 1 hour after meet the facilitated out of the food prevent possibilities back low. 7. Advise the patient of the butt flipping meals of facilitate complete gastric emptying. Advise patient take warm the water soap during meals of the facing digestive material down alimentary canal. Encourage patient to avoid talking meals 2 hours before sleep. This is to prevent backflow to the stomach content of the trachea. Administration antacid as ordered by to minimize heartburn, gastric hyperacidity, reduce lipo. Regularization example deviations 10 mL daily. Encourage the reduced weight or minimize abdominal pressure in the face of cats. Encourage patient not to fear tight clothing and to minimize abdominal pressure. Evaluation. Client able to understand where to prevent regulations and aspirations. Health indications. Education patient will be assessed any signs, symptoms, infection, the redness, fever, which may condition with the surgical site. Advise patients come follow, monitor and progress condition. Education patient to avoid wearing the clothing, minimize abdominal pressure. Increase the avoid heavy weight, object with heavy exercise, use proper lifting technique, lose weight, exercise technically. Advise patient with vitamin rich diet such as vitamin C and protein to promote bone building. Encourage patient to take high fiber food to prevent constipation. If protection a viscous through the abnormal opening the weakened area in the wall of cavity normally contained. Hernia can be classified treated, reducible and straight. 5 types: hiatal, umbilical, inguinal and femoral. Thank you.